योगेंद्र यादव जमीन पर औंधे पड़े थे, आंखें बंद थी। पाकिस्तानी सैनिक वहां पर पड़े भारतीय सैनिकों के शवों पर भी गोली मारकर कंफर्म कर रहे थे कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं बच गया। योगेंद्र यादव वहीं पर घायल पड़े थे। तो वो उसी तरह से उसी रोटेशन से गोली मारता हुआ आया, फिर भी उसने मेरी बाजू में पैर में गोली मारी। दो कदम चलने के बाद न जाने उसको क्या हुआ, फिर वापस पीछे की तरफ लौटा, उसने राइफल सीने की तरफ करी। तब लगा यार योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था, क्योंकि पहाड़ी चलते चलते पूरी पैंट फट गई थी, तो यहाँ पर्स था, उसमें भी 5-5 रुपए के कुछ सिक्के पड़े हुए थे। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, तो शायद माँ भारती ने मुझे चुना होगा, तो इसलिए जब गोली चलाई तो जाकर के वो सिक्कों से ही टकराई और रिकोचिट हो गई। दर्द का एहसास था नहीं था, आप कुछ और सोच रहे थे, मकसद आपका केवल अपने साथियों को बचाना था, देश को बचाना था, तिरंगा लहराना था? तो उस समय मन सिर्फ उस तिरंगे के ऊपर था, उस लक्ष्य के ऊपर था कि किसी भी तरह में हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, तिरंगा फैल जाए और राष्ट्र सुरक्षित हो जाए, बस मन वहाँ था। इसलिए वो दर्द की पीड़ा कुछ पता ही नहीं चला। ये लगा मुझे भी कि मर गया। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के जैसे मेरा हथियार ऐसे पड़ा हुआ था उसने उठाया, उठा करके शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा, तो तब मुझे एकदम से चेतना आई, मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। तब फिर एक अंतर मन से आवाज़ आई कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। अंदर से अटूट विश्वास हो, तो मेरे पास एक ग्रेनेड था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया, तो जो कोट पहने हुए थे कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, अब हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा, दोनों तरफ उसकी राइफल टकी है, और वो जब तक वो ग्रेनेड को वहाँ से निकाल पाता ग्रेनेड गिरा फट, उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर ऐसे आ करके गिरा। उसके गिरते ही उस धमाके से जो पाकिस्तान के जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रेनफोर्समेंट आ गई है। तो उनका जो खलबली मची, बस उसी वही एक मौका था मेरे पास। उसको गिरते ही मैंने तुरंत उसकी राइफल को ऐसे झपट्टा मारा, पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन हाथ तो हिला ही, इस हाथ को सिर्फ कंधा कंधा हिला, लेकिन फिर इसकी परवाह नहीं करी, मैंने तुरंत इसकी राइफल को उठाया वहाँ से एकदम से ब्रस्ट मार करके, फिर तुरंत इस हाथ से पलटा खाया दूसरे पत्थर से, तो उनके 2-3 बंदे और मारे गए। 3-4 जगह से मैं ऐसे लुढ़कता एक हाथ से पत्थर, तो 3-4 जगह से फायरिंग किया, तब उनको लगा कि हाँ यार इनमें से यहाँ जिंदा नहीं है, नीचे से फौज वो चढ़ आई है, तो वो उस भ्रम में जो है वहाँ से वो भाग खड़े। घायल होने के बाद भी योगेंद्र यादव को अपने साथियों का ख्याल था, वो वापस घिसट घिसट कर उन तक पहुंचे इस उम्मीद में कि शायद कोई जिंदा हो। तो फिर आकर के एक एक को देखने लगा, तो किसी का पूरा यहाँ से सर निकला हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे, एक एक को इस सर को गोद में रख करके रोता रहा, बहुत देर रोया। फिर रोते रोते, क्योंकि अब जो है मन वापस शरीर के साथ कनेक्ट होने लगा, भी शरीर के अंदर भी पीड़ा होने लगी, ये हड्डियाँ टूट करके जो चूर हो गया था तो आपस में टकराती थी, असहनीय पीड़ा होने लगी, रोता रहा, फिर अपने आप को संभाला, फिर सोचने लगा यार नीचे जाना है लेकिन जाऊँ कहाँ, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, पहाड़ ही पहाड़, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से हम रात को चढ़ कर के ऊपर आए, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ।
बहुत देर पड़ा हुआ सोचता रहा सोचता रहा। कहते हैं कि अध्यात्म ही सिखाता है हमें कि इस इंसान के तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कर्ण शरीर। कर्ण शरीर ऐसा शरीर जो उसमें हम दिव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। तो जब हम सच में जो है अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो शायद ईश्वर जो है तभी हमारे अंदर वो शक्तियाँ देता होगा, साथ देता है। तो ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो आवाज़ सुनाई दे रही कंटिन्यू। फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे लुढ़कने के लिए तैयार हुआ।